हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो, ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और आप भी अपने घर पे ट्राई करिए इसको। चलिए देख लेते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, एंड ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। सो, आप लोग अपने घर पर ज़रूर इसको ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं क्या क्या लगता है हम लोगों को। इसके लिए हमें चाहिए दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। हमने यहाँ पर प्याज ले लिया है 2 मीडियम साइज के, जिसको हमने बारीक काट लिया है। तेल ले लिया है हमने, और हमको चाहिए सॉल्ट। और हम यहाँ पर गोविंदभोग चावल यूज़ करते हैं। सो, यहाँ पर हमारे यहाँ जो अवेलेबल है हम वही यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके वहाँ जो भी अरवा चावल बेस्ट अवेलेबल रहेगा आप उसे ही यूज़ करिए। एंड यहाँ पर हमने चावल को धो के रख लिया है। चलिए फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पर बर्तन रख लिया है, बर्तन को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल या घी, आपको जो सूटेबल हो आप वही यूज़ करिए। हम यहाँ पर ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। और ऑयल हमने ऐड कर लिया है। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद चलिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें तेज़पत्ता दे देते हैं, दालचीनी दे देते हैं, 2 लौंग और 2 इलायची दे देते हैं। इसको हम 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। दस पंद्रह सेकेंड हमारा हो चुका है। अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देते हैं। ऑनियन को हम लाइट ब्राउन करके भून लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सो, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑनियन हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम ऑनियन फ्राई होते ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल लिया है, तो हम इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो जिस आप जितना चावल लेंगे आप उसी हिसाब से पानी ऐड करिए। जैसे कि अगर आप 1 ग्लास चावल लेते हैं तो आप 2 ग्लास पानी ऐड करिएगा। आप जितना लेते हैं ना चावल, उसका डबल आपको पानी ऐड करना होता है। सो, हमने यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल लिया था, तो
इसमें हम 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे, तो इससे हमारा पुलाव का टेक्सचर परफेक्ट आता है। सो देखिए, प्याज हमारा ऑलमोस्ट भून ही चुका है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 3 ग्लास। पानी का क्वांटिटी आप ठीक से दें कि हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है 3 ग्लास। अब हम पानी में नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार दें, आप पुलाव में नमक दें इस हिसाब से कि आपका पानी में नमक थोड़ा अगर ज़्यादा होता है, जैसे आप चेक के देखिए, अगर पानी में आपका नमक ज़्यादा है तो आपका पुलाव में परफेक्ट नमक आएगा। सो इसी हिसाब से आप नमक को ऐड करें। मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, अब पानी को बॉयल होने देंगे। देखिए, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने ऐड कर लिया है, अब हम इसमें मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक थोड़ा सा फीका है, सो थोड़ा सा हम और नमक ऐड करेंगे ताकि जब पुलाव बनके तैयार हो ना, तब उसका टेस्ट परफेक्ट हो। सो आप भी ऐसे ही नमक को डालें पुलाव पे, जैसे पानी पे थोड़ा सा नमक ज़्यादा होने से पुलाव जब बन के तैयार होगा तो उसमें परफेक्ट नमक आएगा। सो चलिए, अब हम इसको ढक देते हैं। देखिए, बॉयल हो चुका है हमारा चावल, अब इसको हम लो फ्लेम में रख देंगे। लो फ्लेम में पुलाव का ऑलवेज बनाइए तो ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए, पानी पूरा सूख चुका है, अब इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करें हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, मुझे थोड़ा पसंद है येलो कलर पुलाव पे दिखना। सो देखिए, हम थोड़ा यहाँ पर चला लेते हैं ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। पुलाव हमारा ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस इसको थोड़ा सा लो फ्लेम में ढक कर थोड़ा सा पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, पुलाव हमारा बन चुका है। बस ऐसे ढके हुए 5 मिनट इसको रखना है, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो चलिए, देखिए अब हमारा पुलाव बन के तैयार है, हमने इसको सर्व भी कर लिया है। सो देखिए, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है एंड नमक तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप उसी हिसाब से नमक देंगे ना, तो आपका नमक एकदम परफेक्ट आएगा। सो पुलाव तो हमारा बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा पुलाव का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, एंड मैं फिर आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।